हेलो फ्रेंड्स, टैक्सेशन इज नॉट ऑप्शन फॉर एडवोकेट कि इस सीरीज के थर्ड पार्ट में आप लोगों का स्वागत है। अगर आपने पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उसके लिंक शेयर कर दिया है, आप उसको जाकर के जरूर देखें। काफी फ्रूटफुल और काफी यूजफुल वीडियो है आप लोगों के लिए, अगर आप अपना करियर टैक्सेशन में देखना चाहते हो या अगर आपको लगता है कि आप सक्सेसफुल एडवोकेट नहीं हो तो आप उस वीडियो को जरूर से देखो। सो मैं हूं असार अंसारी, टैक्स एंड बिजनेस कंसल्टेंट, एंड आई एम ऑल्सो द फाउंडर ऑफ फ्यूचर कैपिटल। एट द फ्यूचर कैपिटल वी आर प्रोवाइडिंग मल्टीपल सर्विसेज लाइक कंसल्टिंग, अकाउंटिंग, इनकम टैक्स, TDS, GST एंड अदर 200 प्लस सर्विसेज, एंड वी आर ऑल्सो प्रोवाइडिंग प्रैक्टिकल ट्रेनिंग फॉर बिकमिंग अ टैक्स प्रैक्टिशनर और अकाउंटेंट। सो फ्रेंड्स, अगर आप अपना करियर टैक्सेशन या अकाउंटिंग में देख रहे हो तो फ्यूचर कैपिटल आपके लिए राइट प्लेटफॉर्म है। प्रीवियस वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया है कि आपको टैक्सेशन में प्रैक्टिस क्यों करना चाहिए। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उसके लिंक शेयर कर दिया है, आप उसको जाकर के जरूर से देखो। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि अगर आप टैक्सेशन में प्रैक्टिस करना शुरू करते हो या टैक्स कंसल्टेंट बनते हो तो आपका सबसे ज्यादा या सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होने वाला है। मैं इसमें आपको प्रूफ करके बताऊंगा कि इसमें आपका 100% से ज्यादा फायदा होने वाला है। क्यों? क्योंकि मार्केट में इसका स्कोप काफी अच्छा है। उसके बाद में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप टैक्सेशन में प्रैक्टिस शुरू करते हैं तो आप इसमें कितना अर्निंग कर सकते हैं। आपको इसमें प्रूफ करके बताऊंगा कि इफ यू आर स्टार्टिंग प्रैक्टिस इन टैक्सेशन देन यू कैन अर्न मोर देन 1 लाख रुपीज पर मंथ। इतना ही नहीं फ्रेंड्स, मैं आपको बताने वाला हूँ कि मार्केट में टैक्स प्रैक्टिस का स्कोप क्या है। मतलब ये कि जब आंधी या तूफान आने पर सारे नेटवर्क गायब हो जाते हैं, कौन से ऐसा नेटवर्क है जो हमेशा चलते रहता है? टैक्सेशन एक ऐसा नेटवर्क है जो कभी बंद नहीं होता। मतलब ये चाहे लॉकडाउन लगा हो, चाहे आंधी आ रही हो या तूफान आ रहा हो, टैक्सेशन एवरग्रीन प्रोफेशन है जो कभी रुकता नहीं, कभी बंद नहीं होता। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट को टैक्सेशन से रेवेन्यू मिलता है और गवर्नमेंट कभी नहीं चाहेंगी कि गवर्नमेंट का एक इनकम का सोर्स बंद हो जाए जिससे गवर्नमेंट चल रही है। इतना ही नहीं फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि अगर आप टैक्सेशन में प्रैक्टिस शुरू करते हो तो आपको क्या क्या स्किल्स और नॉलेज की जरूरत होती है। उसके बाद आपको अगर सारी चीजें समझ में आती है और आप टैक्सेशन में प्रैक्टिस करना चाहते हो तो आपको क्या फर्स्ट स्टेप लेना है। तो फ्रेंड्स, लेट ना करते हुए हम लोग बढ़ते हैं हमारे वीडियो की तरफ में, जो है कि अगर आप टैक्सेशन में प्रैक्टिस करते हो तो आपका इसमें सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होने वाला है। सबसे पहले पॉइंट से अगर मैं बात करूं, यू नो नीड टू लीव व्हाट यू आर डूइंग। मतलब ये हुआ, अगर आप सिविल में प्रैक्टिस कर रहे हो या अगर आप क्रिमिनल में प्रैक्टिस कर रहे हो तो आपको उसको छोड़ने की जरूरत नहीं है। आप साथ ही साथ टैक्सेशन में भी प्रैक्टिस कर सकते हो। इसके लिए आपको कोई अलग से डिग्री की जरूरत नहीं होती है, बस थोड़ा सा नॉलेज की जरूरत जरूर से होती है। इतना ही नहीं, इसमें इनकम लेवल काफी हायर है। जब मैं आपको अर्निंग से रिलेटेड चीजें बताऊंगा और मैं आपको वहां पे प्रूफ करके बताऊंगा कि इसमें मोर देन 1 लाख रुपीज आप अर्निंग कर सकते हो, तब आपको समझ में आएगा, राइट, मैं सही बोल रहा था कि इसमें इनकम काफी हायर है। इतना ही नहीं फ्रेंड्स, अगर आप टैक्सेशन में प्रैक्टिस शुरू करते हो तो इसमें एक सिंगल क्लाइंट से मल्टीपल इनकम होती है। अगर हम टैक्सेशन में प्रैक्टिस करते हैं तो सबसे बड़ा बेनिफिट ये होने वाला है कि हमारे जो रिलेशनशिप है मार्केट में काफी अच्छे हो जाते हैं। अगर आपके जो कॉन्टेक्ट की लिस्ट में जो अगर 10 बिजनेसमैन है, 10 बिजनेसमैन की लिस्ट बनाओ और खुद सोचो बैठ करके, ये 10 बिजनेसमैन ऐसे हैं जिनको GST से रिलेटेड सर्विस की जरूरत है, जिनको इनकम टैक्स से रिलेटेड सर्विस की जरूरत है, लेकिन जरूरी नहीं है कि 10 में से 10 को सिविल या क्रिमिनल से रिलेटेड सर्विस की जरूरत है। तो ये एक ऐसा प्रोफेशन है जिससे रिलेशनशिप काफी स्ट्रांग हो जाता है। एंड आप भी जानते हैं कि हमारा जो प्रोफेशन है, इस प्रोफेशन में हमें जो बिजनेस मिलता है वो किसी न किसी रेफरेंस से मिलता है, हमारे रिलेशनशिप से मिलता है। तो टैक्सेशन में अगर हम लोग प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं तो हमारे रिलेशनशिप हमारी बाउंडिंग क्लाइंट के साथ में बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है और इसके रेफरेंस से हमें काफी काम मिलना शुरू हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हर एक बिजनेसमैन को एक कंसल्टेंट की जरूरत होती है, लेकिन हर बिजनेसमैन को सिविल या क्रिमिनल से रिलेटेड सर्विसेज की जरूरत नहीं होती है। हर सैलरीड एम्प्लॉय को जिसकी सैलरी हायर है उसका रिटर्न फाइल करने के लिए एक कंसल्टेंट की जरूरत पड़ती है, लेकिन उसी व्यक्ति को जिसकी सैलरी काफी ज्यादा है उसको जरूरी नहीं है कि एक सिविल या क्रिमिनल से रिलेटेड लॉयर की जरूरत पड़ेगी। इसके लिए अगर आप टैक्सेशन में प्रैक्टिस शुरू करते हो तो इसमें सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होने वाला है कि आपके रिलेशनशिप मार्केट में काफी स्ट्रांग होते चले जाएंगे। नहीं नहीं फ्रेंड्स, जैसे जैसे हमारे को लोग मार्केट में जानने लगेंगे वैसे वैसे हमारे ब्रांड वैल्यू बढ़ते चले जाएंगी। टैक्सेशन में प्रैक्टिस करना हमें हेल्प करता है हमें एक ब्रांड बनाने में। मतलब ये कि जितने आपके कॉन्टेक्ट हैं मार्केट में बनते, जैसे जैसे मार्केट में आपके कॉन्टेक्ट बनते चले जाते हैं, लोग आपको जानने लगते हैं और आप एक ब्रांड के नाम से जाने जाने लगोगे मार्केट में। मैं आपको एक एग्जांपल से बताता हूँ।
एग्जाम्पल मान लेते हैं आपके कोई क्लाइंट है जिनका नाम है सुशील शर्मा, ये एक बिल्डिंग डेवलपर है, मतलब इनका कंस्ट्रक्शन का बिजनेस है जो बिल्डिंग डेवलपमेंट करते हैं। सो बीइंग एन एडवोकेट हम सुशील शर्मा को क्या सर्विस दे सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा सिविल की सर्विस देंगे या तो क्रिमिनल की सर्विस देंगे। लेकिन क्या आपने कभी ये नहीं सोचा ये सुशील शर्मा को हो सकता है डेवलपमेंट से रिलेटेड फंड की जरूरत हो, तो हम किसी बैंक के थ्रू ला करके उसको करवा करके दे सकते हैं। इतना ही नहीं, मिस्टर सुशील शर्मा जो है एक बिजनेसमैन है। अब जब बिजनेसमैन है तो इनको डेफिनेटली जीएसटी में रजिस्ट्रेशन की जरूरत होगी। अगर वो जीएसटी में रजिस्टर्ड हो जाते हैं तो इन्हें जीएसटी रिटर्न फाइलिंग कंपलसरी करना होगा। इतना ही नहीं, अब ये बिजनेसमैन है तो इनको अकाउंटेंट की जरूरत तो डेफिनेटली पड़ने वाली है। अब ये बिजनेसमैन है तो इनको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल खुद का करना होगा। इतना ही नहीं, इनको हो सकता है कंपनी इनकॉर्पोरेट करना पड़े, कंपनी का पैन कार्ड बनाना पड़ेगा, इनको कंपनी को रजिस्टर्ड करना पड़ेगा, कंपनी के आरओसी की जो कंप्लायंस है वो भी करने की जरूरत पड़ सकती है, इनकी कंपनी का रिटर्न फाइल करने की जरूरत पड़ सकती है। डिजिटल सिग्नेचर हर बिजनेसमैन के लिए जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी चला रहा है उसके लिए मैंडेटरी है, इनको डिजिटल सिग्नेचर से रिलेटेड सर्विस की जरूरत होगी। हो सकता है मिस्टर सुशील शर्मा को हाउसिंग लोन की जरूरत पड़े, खुद के लिए जरूरी नहीं है। अब ये डेवलपर है तो जो भी डेवलपमेंट करेंगे, मतलब जो फ्लैट ये डेवलप करेंगे तो उसको सेल करेंगे, जब ये सेल करेंगे तो जरूर जाहिर सी बात है कि जिसको भी ये फ्लैट सेल करेंगे तो उसको हाउसिंग लोन करके देंगे, तो हाउसिंग लोन करके देने के लिए उनको एक कंसल्टेंट की जरूरत पड़ेगी। इतना ही नहीं, इनके पास में जो वर्कर काम कर रहे हैं उन वर्कर का टीडीएस कंप्लायंस करना पड़ेगा, इनको टीडीएस कंप्लायंस करने के लिए एक उनको कंसल्टेंट की जरूरत पड़ेगी। इतना ही नहीं, इनके वर्कर जो इनकी एम्प्लॉयज है उनका रिटर्न फाइल करने के लिए एक बंदे की जरूरत पड़ेगी जो उनका टीडीएस का रिफंड ला करके दे सके। इतना ही नहीं, बीइंग अ डेवलपर इनको जरूरत होती है पीएफ कंसल्टेंट की, पीएफ में इनका रजिस्ट्रेशन कर सके और पीएफ के कंप्लायंस कर सके। जब पीएफ में जो रजिस्टर होता है व्यक्ति उसके ऊपर ईएसआईसी भी कंपलसरी हो जाता है, तो उसको ईएसआईसी से रिलेटेड सर्विस की भी जरूरत पड़ेगी। इतना ही नहीं, इनको प्रोफेशनल टैक्स में भी रजिस्टर्ड करना पड़ेगा उनके खुद के लिए और उनके एम्प्लॉय के लिए। आप खुद सोचो कि कितना ज्यादा बेनिफिट होने वाला हमारे एक सिंगल क्लाइंट से, हम कितनी मल्टीपल इनकम जनरेट कर सकते हैं। सुशील शर्मा तो एक डेवलपर थे बट हम उसको सिविल से रिलेटेड सर्विस दे रहे थे, ज्यादा से ज्यादा हम क्या करते सिविल के अंदर कि फ्लैट सेल होते उसको हम रजिस्टर्ड करके दे देते, एग्रीमेंट टू सेल बना करके दे देते जो वो फ्लैट सेल कर रहे हैं। लेकिन बहुत सारी ऐसी सर्विसेज है जो आप देख रहे हैं यहाँ से लेकर नीचे तक के एक लंबी लिस्ट बनते चले जाएंगे अगर मैं बनाता चला जाऊं तो। इतनी सारी सर्विसेज है जो आपके क्लाइंट को जरूरत है, जो आप नहीं दे रहे हो अपने क्लाइंट को और आपका क्लाइंट किसी और के पास में जा रहा है उस सर्विस को अवेल करने के लिए। तो फ्रेंड्स, लेट ना करो, इतनी जल्दी हो सके टैक्सेशन में प्रैक्टिस को स्टार्ट करो और अपने करियर को ब्राइट करो। इतना ही नहीं फ्रेंड्स, आगे की सीरीज में मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आप टैक्सेशन में प्रैक्टिस शुरू करते हो तो आप इसके अंदर मोर देन 1 लाख रुपीस बहुत इजी अर्निंग कर सकते हो। इसके बाद में मैं आपको बताऊंगा कि इसका मार्केट में स्कोप क्या है, साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगा टैक्सेशन में प्रैक्टिस करने के लिए आपको क्या नॉलेज और स्किल की जरूरत है, उसके बाद में आपको फर्स्ट स्टेप क्या लेना होगा। तो फ्रेंड्स, अगर आप टैक्सेशन में प्रैक्टिस शुरू करना चाहते हैं या टैक्सेशन से रिलेटेड कोई क्यूरी है आपको, तो मुझे दिए गए नंबर पर आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और हमें आप व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। इतना ही नहीं फ्रेंड्स, आप लोगों के लिए रेगुलर अपडेट्स के लिए हमने कुछ ग्रुप्स बना के रखे हैं जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दिया है। आप अगर चाहो तो उस लिंक के जरिए हमें कनेक्ट कर सकते हो और हमारे सारे अपडेट्स वीडियोस को देख सकते हो। फ्रेंड्स, इस सीरीज के अंदर सारे वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके करियर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कोई एक वीडियो भी मिस ना करे, सारी सीरीज को जरूर से देखें ताकि आपको समझ में आए और आप टैक्सेशन में प्रैक्टिस स्टार्ट कर सको। तो थैंक यू फॉर द वॉचिंग एंड वी विल बी कंटिन्यू इन द नेक्स्ट सेशन।